बिहार में आरजेडी नेताओं के विरोध के बाद अब यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध करने की बात कही। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि अगर यूपी में बागेश्वर धाम सरकार का कोई कार्यक्रम होता है तो समाजवादी पार्टी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध करेगी। सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए बागेश्वर धाम सरकार पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया और खास बातचीत एबीपी गंगा के साथ जो हुई थी उसमें कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी में बागेश्वर धाम के खिलाफ खड़ी हुई है। तो धीरेन्द्र कृष्ण चला रही है राजनीतिक एजेंडा, सुनील साजन ये बोलते हुए नजर आए। आते हैं तो समाजवादी पार्टी विरोध करेगी, जो बात वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र तमाम बातों को लेकर विरोध। समाजवादी पार्टी इस देश के और प्रदेश के जो सामाजिक तानाबाना है, राजनीतिक तानाबाना है, आर्थिक तानाबाना है, अगर इसको कोई बिगाड़ेगा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे और उसके खिलाफ खड़े होंगे। मुझे लगता है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी राजनीतिक शिकार हो गए या राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, या तो उनके साथ धोखा हुआ है या वो भक्तों के साथ धोखा कर रहे हैं, दो में एक काम है। और वही बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ में समीक्षा बैठक बुलाई। निकाय चुनाव के परिणाम से मायावती नाराज हैं। कोऑर्डिनेटर मंडल और जिला अध्यक्ष को मीटिंग में बुलावा दिया गया है। कई पदाधिकारियों पर एक्शन की तैयारी में है मायावती और ऐसे में निकाय चुनाव में बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। दरअसल मायावती को पिछले चुनाव में मुस्लिम मतों के दम पर मेरठ और अलीगढ़ के मेयर के अलावा 29 नगर पालिका परिषद और 45 नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ 62 पालिका सदस्य और 218 पंचायत सदस्य पदों पर बसपा जीती और इस बार भी बसपा ने मुस्लिमों पर बड़ा दांव लगाया था। 11 मुस्लिम उम्मीदवार महापौर के लिए मैदान में उतारे थे और इसके बावजूद बसपा को इस बार एक भी महापौर पद पर विजय नहीं मिली। पार्टी को पिछली बार 5.49% कम वोट मिले हैं और ऐसे में आज बुलाई गई बैठक में किसी पर गाज भी गिर सकती है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बैठक में जोनल कोऑर्डिनेटर्स के साथ ही मुख्य मंडल प्रभारी, जिला बामसेफ संयोजक और सभी जिला अध्यक्ष बुलाए गए। भाजपा की क्षेत्र कार्य समिति बैठक का आज दूसरा दिन है और ऐसे में भाजपा की ब्रज और गोरखपुर क्षेत्र में क्षेत्र कार्य समिति की बैठकें होने वाली है। आज बरेली में ब्रज क्षेत्र की क्षेत्र कार्य समिति की बैठक होगी। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। गोरखपुर के क्षेत्र कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन धर्मपाल सिंह करेंगे और आपको बता दें कि भाजपा के क्षेत्रवार कार्य समिति की ये बैठकें 19 मई तक चलने वाली है और इस बैठक में भाजपा अपने अगले लक्ष्य मिशन 80 के लिए आगामी कार्यक्रमों और अभियानों को लेकर चर्चा कर रही है। बीजेपी के जो क्षेत्र बैठकें होंगी उसमें क्षेत्र में हो रही है और ऐसे में 3 क्षेत्र में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जा रहे हैं और 3 क्षेत्र की बैठक महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ले रहे हैं। काशी की बात करें तो बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ही शामिल होंगे। तो 17 से 19 मई तक ये बैठकें चलने वाली है, बैठकों का दौर चलने वाला है। कार्य समिति की बैठक है, कई अहम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। मिशन 80 के तहत यहाँ पर आगे की योजनाएं बनाई जाएंगी और ऐसे में इस पूरे बैठकों की कमान धर्मपाल सिंह को सौंपी गई है और ऐसे में जगह जगह जाके मंत्रियों से बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे और अलग अलग योजनाओं पर आगे के लिए चर्चा की जाएगी। ब्रज और गोरखपुर में आज क्षेत्र कार्य समिति की बैठक है। वही बीजेपी क्षेत्र कार्य समिति की बैठक का आपको बता दें कि आज दूसरा दिन। मिशन लोकसभा के लिए भाजपा की बाहुबली तैयारी। पश्चिम से पूरब तक क्षेत्रीय घेराबंदी, हैट्रिक विजय का टोल फ्री माल। नोएडा के सेक्टर 72 में भाजपा नेता कार्यकर्ताओं का जमावड़ा 2024 के लिए भगवा ब्रिगेड की भूचाल तैयारी का संदेश लाया है। दरअसल भाजपा ने तूफानी रफ्तार से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के मिशन 2024 की रफ्तार कितनी तेज है इसे इस बात से समझिए कि यूपी में पार्टी स्तर पर गठित सभी 6 क्षेत्रों की बैठकों के लिए सिर्फ 3 दिन का समय तय किया गया। इसकी शुरुआत पश्चिमी क्षेत्र और काशी क्षेत्र से की गई है। ऐसे ही हम लोग सभी क्षेत्रों में यह बैठक करेंगे। 2024 में कैसे कार्यकर्ता आगे बढ़े, कैसे 80 की 80 सीटें जीते, मुझे लगता है कि इसके लिए जो मार्गदर्शन अध्यक्ष जी का मिलेगा वह लेकर कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे।
नोएडा के सेक्टर 72 में भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्र की बैठक हुई। मीटिंग में पार्टी पदाधिकारी, सांसद और विधायक, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। वहीं वाराणसी में काशी क्षेत्र की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने की। इस दौरान उन नगर निकायों की विस्तार से चर्चा हुई जहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले भाजपा जमीनी स्तर पर रह गई कमियों को दूर कर लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी पहले से बेहतर परिणाम है, पहले से बेहतर परसेंटेज है और पहले से ज्यादा हमको वोट मिला है। और माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में हमारे सत्येंद्र सिसोदिया जी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, एक शानदार प्रदर्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी कार्यशैली, जनता में उनकी लोकप्रियता, जनता में उनके प्रति विश्वास, अब विश्वास है कि आने वाला समय, आने वाला लोकसभा का चुनाव हम प्रदेश की सभी 80 सीटों पर, लोकसभा की जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जो सरकार का रास्ता तय करता है, और उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सीटों पर जीतेंगे, इस संकल्प के साथ हम लोग काम करेंगे। मुख्य रूप से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर महासंपर्क अभियान। दरअसल भाजपा भले ही पश्चिमी यूपी के सभी नगर निगम में जीत दर्ज करने में कामयाब रही हो, लेकिन एक आंकड़ा ये भी है कि 16 जिलों में भाजपा एक भी नगर पालिका में जीत नहीं दर्ज कर पाई। इनमें पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद का भी नाम है तो पूर्वांचल के बस्ती, भदोही, मऊ, श्रावस्ती, महाराजगंज जिले में भाजपा को नगर पालिकाओं में हार का सामना करना पड़ा। कहा जा रहा है कि भाजपा को यह आंकड़े 2024 के मद्देनजर परेशान करने लगे हैं। जहाँ पे हमारी पार्टी को काम करना है, हमारे कार्यकर्ताओं को काम करना है, चूंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सामाजिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को और कुछ काम करना बाकी होगा। खुशी की बात है कि इस बार मुस्लिम समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत कर आए हैं, तो परिस्थितियाँ धीरे धीरे ऐसी बन रही हैं कि आगामी चुनावों में हम लोकसभा की दृष्टि से अगर देखें तो 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतना अब हमारे लिए कठिन बात नहीं है। क्षेत्र स्तर पर अगले 2 दिनों तक भाजपा की बैठकों का दौर जारी रहेगा। 18 मई को ब्रिज क्षेत्र की बैठक बरेली में होगी, 18 मई को ही गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होगी, 19 मई को भूपेंद्र चौधरी कानपुर क्षेत्र की बैठक लेंगे तो 19 मई को ही लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक होगी। इन बैठकों के जरिए भाजपा की योजना न सिर्फ निकाय चुनाव में हारी हुई सीटों पर मंथन करने की है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव की अभेद रणनीति तैयार करने की भी है। भाजपा ने पहले ही मिशन 2024 के लिए सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी है। आज काशी क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक थी और निश्चित तौर पर पूज्य प्रधानमंत्री जी का की सरकार का 9वां वर्ष पूरा हो रहा है, तो उसका विशेष आयोजन करने का कार्यक्रम हम सब लोग बना रहे हैं और ये पूरा 1 माह चलने वाला है। 30 जून से लेकर 30 जून तक ये पूरे 1 माह तक ये कार्यक्रम चलेंगे और एक एक मतदाता से संपर्क का, उनसे संवाद करने का कार्यक्रम हम सब लोग बना रहे हैं। 30 मई से 30 जून के बीच भाजपा संपर्क अभियान शुरू करने जा रही। मिस कॉल से सदस्यता अभियान के बाद अब मिस कॉल महासंपर्क अभियान चलेगा। हर मतदाता के मोबाइल फोन से मिस कॉल की जाएगी। मिस कॉल के लिए परिवार का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और पदाधिकारी मिस कॉल महासंपर्क अभियान में लगेंगे। लोकसभा क्षेत्र में 250 प्रभावशाली परिवारों का चयन किया जाएगा और पदाधिकारी प्रभावशाली परिवारों से बातचीत करेंगे। सांसद, विधायक और कार्यकर्ता केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बताएंगे। बूथ कमेटी के सदस्यों और पन्ना प्रमुख को भी अभियान में लगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक जनसंपर्क एक अभियान 30 मई से 30 जून तक चलाने का निर्णय केंद्रीय पार्टी ने लिया है। आज क्षेत्र की बैठक में, पश्चिम क्षेत्र की बैठक में सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और हम लोग सारी पूरी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो जो काम हम लोगों ने किए हैं उन कामों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे। जाहिर है कि भाजपा दूसरे दलों के जमीन पर उतरने से पहले ही माहौल को अपने पक्ष में कर लेना चाहती है। वाराणसी से नवीन पांडे के साथ नोएडा से शक्ति सिंह, एबीपी गंगा। एमएलसी उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार आज नामांकन करेंगे। भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान सीएम योगी भी शामिल होंगे। सपा भी आज एमएलसी उपचुनाव के लिए नाम फाइनल करने वाली है। सपा ने भी विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया है। सपा एमएलसी के दोनों प्रत्याशी भी सुबह 11 बजे नामांकन करने वाले हैं।
तो इधर आज समाजवादी पार्टी विधानसभा परिषद की दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी और आज होने वाली विधायकों की बैठक में दोनों नामों पर मुहर लगेगी और फिर नामांकन होगा। साथ ही आपको बता दें कि विधान परिषद की दो सीटों के लिए आज हो रहे चुनाव में विधायक मतदान करेंगे। 18 मई यानी कि आज नामांकन का अंतिम दिन है और ये दोनों सीटें लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफे और बनवारी लाल के निधन से खाली हुई है। भाजपा ने इस सीट से पद्मसेन और मानवेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया। तो आज दोनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान सपा करने वाली है। एमएलसी उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है। और अयोध्या पहुंचे लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में रामलला भव्य और दिव्य मंदिर में बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि लोकसभा चुनाव में रामलला का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। अयोध्या पहुंचे जितेंद्र प्रसाद ने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। नया अयोध्या माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में यहाँ हो रहा है। निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के समीक्षा की गई है, सभी सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, और यहाँ पूरी जो स्पष्ट निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी के कि गुणवत्ता और समय सीमा पे यहाँ जो मंदिर निर्माण तो हो ही रहा है, साथ ही साथ अयोध्या नगरी का भी चौमुखी विकास, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। वहीं प्रदेश के सभी 17 नगर निगम की सीटों पर जीत का परचम लहराने के बाद अब भाजपा मिशन 80 को साधने में जुट चुकी है। आज से भाजपा की क्षेत्रवार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 30 मई से भाजपा महासंपर्क अभियान भी शुरू करने जा रही है और पार्टी की रणनीति और विपक्ष की लामबंदी समेत तमाम मुद्दों पर मंत्री जेपीएस राठौर ने अपनी राय रखी। 2024 में यूपी में 80 सीटें जीतने का यहां पर दावा है, लक्ष्य है। निकाय के बाद अब मिशन 80 के ऊपर जोर दिया जा रहा है और ऐसे में 80 सीटें भाजपा जीतेगी, जेपीएस राठौर ये दावा करते हुए नजर आए। 30 मई से भाजपा महासंपर्क अभियान भी चलाने वाली है। हमारे साथ में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी हैं। सर, बाकी दल अभी फिलहाल निकाय चुनाव के जो परिणाम है उन पर ज्यादा मंथन कर रहे हैं और आप लोकसभा चुनाव की तैयारी। ऐसा है कि विपक्ष पूरी तरीके से हताशा और निराशा के गर्त में डूब चुका है और पूरी तरीके से दिशाहीन है। मुद्दा विहीन तो पहले ही था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं है, सब पर काम हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ये लोग केवल ट्विटर पे खेल रहे हैं। मायावती जी उधर ट्विट कर देती हैं, कभी कुछ प्रेस में रिलीज कर देती हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता हैं जानते हैं कि हर समय उनको हर घंटे कुछ न कुछ ट्विटर पे आता रहता है। तो मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का ही नाम ट्विटरवादी पार्टी कर दें तो शायद जो है ज़्यादा उपयुक्त नाम उस पार्टी का हो जाएगा। और जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, जनता से इस तरीके से कटकर वो किसी भी तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी अपने काम में लगी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सब लोगों के साथ बैठक करके एक महासंपर्क अभियान के लिए तैयार करने के लिए कहा है, उसकी तैयारी चल रही है और 30 मई से वो महासंपर्क अभियान शुरू होगा। अलीगढ़ के गिलहर राज में ऐतिहासिक हनुमान जी मंदिर में भक्तों के प्रवेश को लेकर नए नियम जारी किए गए। मंदिर प्रशासन के निर्देश के मुताबिक अब मुस्लिम महिला पुरुषों को मंदिर में प्रवेश वर्जित होगा, क्योंकि उनका मानना है कि वो लोग केवल चोरी या गलत काम के इरादे से मंदिर में आते हैं। वहीं छोटे कपड़े और कटी फटी जीन्स पहनकर भी मंदिर में प्रवेश की मनाही कर दी गई है। और मंदिर के महंत कौशल नाथ ने बताया कि हमने दो निर्णय लिए, एक तो मुस्लिमों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और दूसरा कि अब मंदिर में कटे फटे कपड़े या छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में जाना वर्जित होगा। तो ये दो कड़े नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं। अलीगढ़ में ये हनुमान मंदिर स्थित है जहाँ पर ये नए नियम लागू कर दिए गए। यहाँ हमने दो निर्णय लिए हैं, विचार चल रहा है और निर्णय लिए हैं इस समय के। एक तो मुस्लिमों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहे मंदिरों में और दूसरा ड्रेस कोड को लेके हमने चर्चा चल रही थी काफ़ी समय से, तो उसमें भी निर्णय लिया है कि जिस तरह से हम शादी विवाह में जाते हैं
लोग अब सच के जाते हैं, कोई लोग जब किसी की शव यात्रा या शोक संदेश में जाते हैं तो उस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो जिस तरह का कार्यक्रम है उस तरह के कपड़े पहनते हैं। जब हम ईश्वर सरस्वतीमान ईश्वर से मिलने जा रहे हैं तो क्यों ना ऐसे कपड़े पहन के जाएँ जो कि भगवान को प्रिय हैं, ऐसे कपड़े ना हो जो हमारी संस्कृति और संस्कारों के विपरीत हों, तो सभ्य कपड़ों के, क्योंकि कुछ लड़के हाफ पैंट में छोटे निकर में आ जाते हैं, कुछ लड़के फटी जीन्स पहन के आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सभ्य कपड़े उनके साथ प्रवेश होना चाहिए, वो अत्यंत आवश्यक है। इस पर ये पोस्टर अच्छे लगे हैं, इस पर हम लोगों को हिंदुओं को इस चीज़ का स्मरण करना चाहिए कि हम सही ढंग के कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करें। ये कटे फटे चलने फैशन में वो कपड़े अच्छे नहीं है, वो आप बाजार में पहनिए, कहीं पहनिए। और मऊ से खबर है, माफिया मुख्तार अंसारी गैंग पर बाराबंकी पुलिस का शिकंजा कसता चला जा रहा है। मुख्तार गैंग के सक्रिय सदस्य मोहम्मद सुहेब मुजाहिद की संपत्ति कुर्क कर ली गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस प्रकरण में पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की। बाराबंकी पुलिस ने मऊ जनपद में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 1.5 करोड़ की संपत्ति थी जिसे कुर्क किया गया है। मुख्तार अंसारी के गैंग पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। आपको बता दें कि कई करीबियों पर पहले भी कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है और ऐसे में उसी कड़ी में अब एक करीबी की 1.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। तो देखिए किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और वही मिर्जापुर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। शख्स ने अपना नाम अभय बताकर विवाहिता को अपने प्रेम जाल में फंसाया और दूर ले गया, वहां उसके साथ महीने दुष्कर्म किया। किसी तरह महिला उसके चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंची, तब पूरा मामला सामने आया। महिला ने बताया कि बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने को लेकर धमकी देता था और भागने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की भी धमकी देता था। फिलहाल मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। हिंदू बताकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद दबाव बनाना शुरू कर दिया। सर वो अपना नाम अभि मिश्रा बताया था और वो मोबाइल फोन से मिला था, रॉन्ग नंबर से। तो फिर आप कैसे पता चला, आप कहाँ, वो कैसे लेके गया आपको? सर वो आया था यहाँ पे लेने मेरे को। हाँ। तो जब वहाँ पे गए तो मेरे को पता चला कि ये आरिफ खान है। हाँ। उसका नाम दूसरा है। हाँ। असली नाम आरिफ है और मुस्लिम है और वो वहाँ पे उसके साथ में करीब 20-25 दिन वहाँ पे रहती है और 20-25 के इन दिनों के दौरान ये जो व्यक्ति है उसके साथ शारीरिक संबंध ही बनाता है। पति ने एक तहरीर इस पे दी है, उस तहरीर में मुकदमा पंजीकृत करा के ये जो भी व्यक्ति था जिसके साथ में ये महिला गई थी उस पे अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। अतिगष्टव हत्याकांड से जुड़े एक बड़ी खबर आपको बता दें, न्यायिक आयोग की टीम आज तीसरे दिन भी प्रयागराज में रहने वाली है। वारदात के वक्त मौजूद मीडिया कर्मियों से बयान लेने वाली है। आयोग का पूरा फोकस आज मीडिया कर्मियों के बयान पर रहने वाला है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को भी बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। आयोग की टीम अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के दौरान मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों पुलिस कर्मियों के साथ अतीक अशरफ का एक्सरे और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का बयान दर्ज करेगी। न्यायिक जांच आयोग की टीम तकरीबन 60 लोगों का बयान यहां पर दर्ज करने वाली है, जिसमें करीब 30 पुलिस कर्मी है, 16 डॉक्टर है और मेडिकल स्टाफ और मीडिया कर्मियों के बयान भी लिए जाएंगे। आपको बता दें कि न्यायिक जांच आयोग की टीम एक बार फिर से घटनास्थल का मुआयना भी कर सकती है और आयोग ये जानने की कोशिश कर सकता है कि शूटर्स को माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को मेडिकल परीक्षण के लिए कैल्विन अस्पताल लाए जाने के बारे में जानकारी कहां से मिली। शूटर्स को ये जानकारी पुलिस के किसी साथी ने मुहैया कराई या फिर मीडिया कर्मियों में से किसी ने इस बात को लीक किया है। तो आज पूरा फोकस मीडिया कर्मियों के बयान पर रहने वाला है। सभी को एकजुट किया गया है और सभी से आज बयान लेकर उसे दर्ज किया जाएगा। माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जांच के लिए गठित एसआईटी करवा सकती है लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट। तीनों शूटर्स का लाई डिटेक्टर टेस्ट और साथ ही साथ नार्को टेस्ट भी हो सकता है। एसआईटी को कई सवालों के अभी तक जवाब जो नहीं मिले हैं, एसआईटी जल्द कोर्ट में इसकी अर्जी भी दे सकती है। 15 अप्रैल को अतीक अशरफ की हत्या हुई थी आपको बता दें, लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तीनों शूटर्स में से किसी ने नहीं दिए हैं। अब भी ऐसे कई खुलासे हैं जो कि नहीं हो पाए हैं और उसी के चलते यहां पर अर्जी दाखिल की जा सकती है नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्शन टेस्ट को लेकर। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के 32 दिन बीत चुके हैं। हालांकि
एक महीने से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद अतीक और अशरफ की हत्या के मोटिव को लेकर पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। दरअसल मामले की जांच कर रही एसआईटी को शूटरों के उस दावे पर कतई यकीन नहीं हो रहा है, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसी के भेजने पर अतीक और अशरफ का मर्डर करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने अपनी मर्जी से अतीक और अशरफ का कत्ल किया है। लेकिन पुलिस को इन दावों पर कतई यकीन नहीं हो रहा है। इस बीच मामले की जांच कर रही एसआईटी को तमाम चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं, तमाम नए तथ्य हासिल हुए हैं। इस वजह से जो एसआईटी है वो इन शूटरों को एक बार फिर से रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। हालांकि एसआईटी इन शूटरों को पहले भी 4 दिनों की कस्टडी रिमांड में ले चुकी है, प्रतापगढ़ जेल से प्रयागराज लाकर इनसे पूछताछ की गई थी, बाद में इन्हें प्रतापगढ़ जेल वापस भेज दिया गया था। इसके साथ साथ प्रयागराज पुलिस को यह भी लगता है कि जो शूटर्स हैं वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, एसआईटी को गुमराह कर रहे हैं। इस वजह से जो पुलिस है, जो एसआईटी है पुलिस की, वो अब इन शूटरों का लाई डिटेक्टर टेस्ट या फिर नार्को टेस्ट कराने पर भी विचार कर रही है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटर जेल में है, लेकिन तीनों शूटर के पीछे मास्टरमाइंड कौन है अब तक ये साफ नहीं हो पाया। ऐसे में पुलिस ने हत्याकांड के हथियारों का लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट कराने की तैयारी शुरू कर दी है। नार्को टेस्ट से सामने आई अतीक की हत्या की इनसाइड स्टोरी। मर्डर के मास्टरमाइंड के चेहरे से हटेगा नकाब। मीडिया के कैमरों के सामने माफिया की हत्या करने वाले तीनों शूटर जेल में हैं, लेकिन हत्या करने वाले इन तीनों शूटर के पीछे किसका चेहरा है अब तक इसका पता नहीं चला है। खौफनाक हत्याकांड के पूरे सच को सामने लाने के लिए शूटर्स का लाइव डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट कराने की तैयारी की जा रही। प्रयागराज पुलिस को यह भी लगता है कि जो शूटर्स हैं वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, एसआईटी को गुमराह कर रहे हैं। इस वजह से जो पुलिस है, जो एसआईटी है पुलिस की, वो अब इन शूटरों का लाई डिटेक्टर टेस्ट या फिर नार्को टेस्ट कराने पर भी विचार कर रही है। बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कोर्ट से परमिशन लेकर इन शूटरों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जा सकता है या फिर नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पुलिस 5 दिन तक शूटर से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन पुलिस को सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि सनी सिंह को दिल्ली के गैंगस्टर गोगी ने तुर्की की पिस्टल जिगाना रखने के लिए दी थी, मगर गोगी की हत्या के बाद सनी असलहों को लेकर अपने घर भाग गया और नाम कमाने के लिए अतीक और अशरफ की कैमरे के सामने हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस ने तीनों शूटर के बयानों का मिलान किया तो कड़ियां जुड़ी ही नहीं। पुलिस को आशंका है कि हत्याकांड में कई और लोग शामिल हो सकते हैं। इस बीच माफिया के हत्याकांड को लेकर गठित न्यायिक आयोग की जांच जारी है। लगातार तीसरे दिन न्यायिक आयोग की टीम ने कालवीन अस्पताल का दौरा कर हत्याकांड वाली जगह का मुआयना किया। आयोग को ये पता लगाना है कि अतीक और अशरफ की हत्या किन परिस्थितियों में हुई, किन लोग, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, जो लोग कातिल थे उनका मोटिव क्या था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के लिए यूपी पुलिस की 2 SIT भी गठित की हुई है। SIT के अलावा 5 सदस्यीय न्यायिक आयोग भी है जो इस पूरे मामले की जाँच कर रहा है। एक ओर अतीक अहमद की हत्या की जांच जारी है तो दूसरी ओर अतीक अहमद के नाम पर क्राइम फाइल्स का हर रोज नया पन्ना खुल रहा। अब अतीक अहमद के नाम पर जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों पर केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक दोनों अतीक के गैंग से जुड़े हुए थे। अतीक अहमद के 2 करीबियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई गई है। इसमें साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि अतीक अहमद के नाम पर उसकी जमीन देने का सौदा किया गया, ना जमीन दी गई ना पैसा दिया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, अपहरण करने की कोशिश की गई है। बहरहाल जो आरोपी विक्रांत यादव है उसकी तहरीर पर नामजद FIR दर्ज हो गई है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। पुलिस अफसरों का कहना है कि जाँच के बाद इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अतीक की हत्या से जुड़े हर सुराग की पड़ताल की जा रही। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।